दौसा जिले में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते भारत में लगे लॉकडाउन से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण बहुत से लोगों को भोजन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी के चलते क्षेत्र में निवास कर रहे जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान सभी ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। इसके चलते स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा और उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल द्वारा श्री रामकरण जोशी विद्यालय और संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय दौसा में 20 वार्डों में रह रहे लगभग 210 परिवारों को 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल वितरित किए। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, प्रत्येक जरूरतमंद परिवार की हर संभव मदद की जाएगी, सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। साथ ही उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में MDM के अंतर्गत शेष बचे खाद्यान्न को इस परिवार को बांटने की योजना है। वितरण के अवसर पर जिला प्रवक्ता कांग्रेस घनश्याम शर्मा, CBEO राजाराम मीणा, शंभू दयाल मीणा, प्रधानाचार्य रामकरण जोशी, राम नारायण मीणा ACBEO दौसा, गुलाबचंद शर्मा, उमा शंकर बनियाना और अभय सक्सेना सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी सरकारी योजना में आरक्षण का नहीं है और ये बड़ी संख्या में उनका जिला प्रशासन ने हमें सर्वे किया था। पूरे जिले में करीब 2-2.5 लाख विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला मुख्यालय करीब 500-600 लोग ऐसे हैं जिनका किसी सरकारी योजना में नाम नहीं है। उन लोगों के लिए जो हमारे जो बड़ा था सरकार का उसको एकत्रित करके जिला प्रशासन के माध्यम से और प्रत्येक परिवार को जिनका अन्य योजना नाम नहीं था 10 किलो जो 5 किलो चावल उनको दिया गया। मैं समझता हूँ इससे जो राशि मिलेगी बच्चों को देंगे जो 90 लोग आ जाएंगे हमारा काम करना।